देख रहे हैं CN24। गोरखपुर कस्टम विभाग ने करोड़ों रुपए का विदेशी मटर और सुपारी पकड़ा, जो नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में तस्करी करके लाई जा रही थी। कस्टम की टीम ने 5 ट्रक में 60,975 किलोग्राम विदेशी मटर पकड़ी, जिसकी कीमत ट्रक के साथ लगभग 88 लाख है, तथा एक ट्रक में 23,800 किलोग्राम विदेशी सुपारी पकड़ी गई, जिसकी कीमत ट्रक के साथ लगभग 87,50,000 आंकी गई है। इसके पहले भी अनलॉक प्रक्रिया के शुरू होने से 10 गाड़ी में 91,575 किलो विदेशी मटर, जिसकी कुल कीमत गाड़ी सहित 1,19,00,000 रुपया, और 4 गाड़ी में 63,291 किलो विदेशी सुपारी भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत वाहन समेत 2,28,00,000 रुपया आंका गया, जो कि बर्मा बॉर्डर से तस्करी होकर भारत के विभिन्न शहरों में जाना था। जनपद कुशीनगर में माह नवंबर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ होना सुनिश्चित हुआ है, जिसके लिए सीमा शुल्क विभाग गोरखपुर पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुका है और अभी से सफलता मिलनी शुरू हो गई है। गोरखपुर कस्टम्स का मंडल कार्यालय है, इसके बड़े अधिकारी श्री VP शुक्ला साहब कमिश्नर कस्टम्स लखनऊ बैठते हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार कुछ प्रिवेंटिव एक्टिविटी हुई है, जिसमें काफ़ी मात्रा में सुपारी, विदेशी सुपारी और विदेशी मटर बरामद हुई है। विगत 3 महीनों में हम लोगों ने करीब प्रिवेंटिव पार्टी ने यहाँ करीब 91,000 kg मटर, विदेशी मटर बरामद किया है, और जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, जिसकी कीमत करीब 1,19,00,000 रुपये है। इसके अलावा विदेशी सुपारी भी पकड़ी गई है, जिसमें करीब 63,000 kg है, 63 टन के करीब, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, दोनों की कीमत मिला के करीब 2,28,00,000 के करीब आती है। सर कितनी गाड़ियाँ हैं कुल? 4 गाड़ियाँ कुल गाड़ियाँ तो मटर की, इसकी ले के करीब 10-13 गाड़ियाँ हैं, जिसमें मटर की भी सुपारी की भी है। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये लोग? मटर की गाड़ियाँ ज़्यादातर नेपाल बॉर्डर से UP बिहार के जो एरिया टच करता है वहाँ से घुसती हैं अनऑथराइज रूट से, स्मगलिंग के रास्ते, और वो मटर लेके दिल्ली, कानपुर या ऐसी जगह जाते हैं दूर दूर, तो कोई उनका तय नहीं वो कहाँ जाएंगे, पकड़े जाने बताते हैं। सुपारी की गाड़ियाँ इसी तरह म्यांमार बॉर्डर से आती हैं नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी सिलीगुड़ी के पास, वहाँ से लोडिंग करके ज़्यादातर कानपुर दिल्ली पहुँचाती हैं। सर कुछ अभियोग इसके साथ पकड़े जाएंगे? जो लोग पकड़े जाते हैं उनका एक प्रक्रिया है, गिरफ्तारी का एक लिमिट है, उसके नीचे नहीं की जाती, उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है और बाकायदा उसका एडजुडिकेशन ऑर्डर पास होता है।